किसी और जमाने की बात करती है, जब मैंने अपना कश्मीर छोड़ा था। जिंदगी ने इतने सारे मोड़ लिए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे मेरे जन्म की भूमि का रुख नहीं किया। लेकिन क्या कहें, किस्मत के अपने खेल हैं। आज मेरी बेटी, मेरा इकलौता बच्चा नूर, जो सिलिकॉन वैली में एक बेहतरीन कंप्यूटर सर्किट डिज़ाइनर है, उसने अपनी वादी में वापस जाने का फैसला किया है। वो अब किसी भी वक्त श्रीनगर में उतरने वाली है, शायद किसी ऐसे आकर्षण के चलते जो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। मेरे खूबसूरत कश्मीर, तुम इतने सालों में कितना बदल गए हो। मैं सोचता हूँ, क्या तुम अब भी उन सुंदर तस्वीरों की तरह हो जिन्होंने उस पर उस नुमाइश में जादू सा किया था। डैड, मैं पहुंच गई, थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं चलती हैं? क्या अब भी वहां के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहां की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं चलती हैं? क्या अब भी वहां के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या भी वहां के बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपने सपने को सच करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इन पिछले महीनों का सफर कुछ ऊंचाइयों का रुख किए हुए था, जबकि कुछ गिरना, संभलना और चोटें भी साथ थी। लेकिन आखिरकार अब शिखर सामने नजर आ रही है। आज मैं अपने सफर की पूरी कहानी लिखूंगी। आप दूसरों के लिए ये यादें संजो कर रखिएगा। कायनात के अजीब तरीके हैं। मुझे लगता है कि इसने मुझे यहां लाने की साजिश रची है। अब आप और किस तरह इसे समझा सकते हैं? आह, वो शायरा, उसके अल्फाज, उसकी नज्म, उसका बेरुखा नसीब, ये मेरे दिल को जैसे छू गया। मुझे पता था कि मैं बस उन हसीन चश्मों और दरख्तों के साए में रहना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ उस सूफियाना आवाज के पीछे जो बर्फ से ढकी चोटियों से गूंजती सुनाई देती है। मैं उस रात सो नहीं पाई जिस रात मैंने कश्मीर में बन रही 1989 में मुजफ्फर अली की जूनी फिल्म के बेहद पुर असर तस्वीरें देखी थी। मैं कश्मीर देखना चाहती थी, अपनी ज़मीन देखना चाहती थी, खुद उसे महसूस करना चाहती थी। वो बहुत पहले का कश्मीर था बेटी, अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन डैड, आप हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को खुद जानना चाहिए। प्लीज डैड, आप मुझे जाने दें, बस मुझे कश्मीर के बारे में थोड़ा बता दें। वहां दस्तकारी के कितने आयाम हैं? ये एक लंबी कहानी है।
14वीं शताब्दी में सैयद अली हमदानी 1200 दस्तकारों को लेकर वादी में आए। ये लोगों को उनकी रोजी रोटी से नवाजने का सूफियों का तरीका था। उन्हें एक हुनर देकर रोजी रोटी का जरिया बनाना, उंगलियों से हुस्न पैदा करना, तहजीब में नरमी लाना, जिसकी महक दुनिया को उनकी तरफ खींचती है। पेपर मैशे कश्मीर के लिए बेमिसाल है, जैसे कि पश्मीना और कई तरह की दस्तकारी। मुझे लगा मानो अचानक एक प्यास ने जैसे मुझे जकड़ लिया, एक तिश्नगी। मेरे जन्म से पहले ही डैड और मॉम कश्मीर छोड़ चुके थे। उनका दोबारा उन वादियों से गुजरकर उस दौर को जीना मुश्किल था, मगर मुझे मेरे जवाब मिले कहीं और से। पहले तो डैड घबराए, मुझे याद है पहली बार मॉम ने जब मुझे अपनी कीमती पश्मीना शॉल दिखाई थी जो उन्होंने एक खूबसूरत पेपर वैशे डब्बे में संभाल कर रखी थी। हर कश्मीर की बनी चीज के लिए उनके दिल में एक अलग ही जज्बा था। शायद मैं अपने साथ उनकी रूह ले आई हूँ। ये कारीगरी किसी इबादत से कम नहीं। सरकार ने पूरे स्टेट में 42,611 करोड़ रिंग रोड, हाईवेज और गांवों को शहरों से जोड़ने पे खर्चा करने की योजना बनाई है। एक बार सरकार की 2,250 करोड़ की टूरिज्म स्कीमें लागू हो गई तो हर आदमी का रोजगार पक्का है। शुरुआत में मैंने सोचा था कि क्या वो हमारे घर में अकेली रह पाएगी, क्या उसका वहां रहना मुनासिब होगा, उन पेचीदा मुद्दों को समझ पाएगी। फिर मैंने सोचा एक हफ्ते में अपने आप ही वापस लौटेगी, लेकिन उसने हमेशा हट के सोचा है। डैड आप फिक्र ना करें, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे घर पर ही हूँ। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है डैड, वो नई सड़कें बना रहे हैं, IIM और IIT शुरू करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। इस सब का मतलब है कि आप भी यहाँ पढ़ाने के लिए आ सकते हैं डैड, और शायद किसी एक नए एम्स जैसे बड़े अस्पताल में काम भी कर सकते हैं। मैं एक पेचीदा कंप्यूटर सर्किट डिजाइनर हो सकती हूँ जिसकी कुछ अलग ही जरूरतें हैं, लेकिन अब मैं वादी के लोगों के लिए कारामत साबित होना चाहती हूँ।
मैं खुद को यहाँ किस तरह देखती हूँ ये मेरा सफ़र होगा। मैं अपनी दिमागी काबिलियत और दिल के जज्बे से ये सफ़र तय करूँगी। और मैंने वादी के कुछ हिस्सों में कारोबार शुरू करने की हिम्मत रखने वाली लड़कियों को दोस्त भी बनाया है। उनमें जोश है, वलवला है कुछ कर दिखाने का। मैंने उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया है जिसमें मैं उनसे कुछ सीख भी रही हूँ। किसी दिन मुझे यकीन है कि आप रत्ना रायना से मिलेंगे। वो एक एंटरप्रेन्योर है। और शैला किचलू जो एक आर्किटेक्ट है और यहाँ की विरासत और पर्यावरण को महफूज रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और फिर रमनीक कौर, उफ इतनी शानदार डिज़ाइनर, वो किसी भी चीज़ को बेहद खूबसूरत और पसंदीदा बना देती है। आजकल वो यहाँ के बकरवालों के साथ काम कर रही है। और रुबीना बहुत ही नफीस फ्लोरिकल्चरिस्ट है। और फिर जैनब इतनी प्यारी और सबसे मज़ेदार लड़की, आप उसको मिलकर खुश हो जाएंगे। उसकी उंगलियां जिस चीज़ को छू लेती हैं सरसब्ज हो जाती हैं। उसके सेब के बागात हैं और अब वो यहाँ रेशम की खेती भी शुरू करना चाहती है। मेरे लिए हर दिन कुछ नया इंतज़ार करता है। मेरे बिंदु ये सपने देखने वाले यहाँ के नौजवान हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनसे एक ऐसा सर्किट बन रहा है जिससे यहाँ आने वाले हर मौके का पूरा फायदा लिया जा सके, जिससे कोई भी मौका ना गंवाएं। NAFED has already bought 100 crore worth of apples directly from the growers of the valley. Neglected orchards will bloom again like Jannat. Busy inaugurating the new wing for COVID. About the 6,000 acres of government notified land that could be used to set up eco-friendly industries. I also heard that 50 tourist villages are also coming up. Shala, here's your chance to save the wooden architecture and all the zundabs of Kashmir. Have an international seminar at SKICC on our heritage earthquake resistant Taak and Dhaji Diwari structures. Noor, where are you? Wake up, you sleepyhead. मैं पूरी रात बिंदु कनेक्ट कर रही थी। चलो हम सब इसमें शामिल हो जाते हैं। Weaving dreams, crafting lives. I'm getting married. We had big dreams. What will happen now? मेरी प्यारी बच्ची कैसी है? बिजली के बिना रातें कैसी कट रही हैं? डैड, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ बिजली लगातार हर वक्त आ रही है और सुना है कि दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच गई है। बेटी क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? खैरियत से हो? कुछ तो बताओ। मुझे फिक्र हो रही है। कभी कभी मुझे लगता है डैड कि कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम वापस आना चाहती? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ नैन, बस सिर्फ कभी कभी ये लगता है कि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पा रही। कोई ना कोई हमेशा पीछे खींच लेता है, परिवर्तन से, बदलाव से डरता हो जैसे। मेरा सर्किट टूट रहा है नैन। जैनब की शादी हो रही है। आह, हर लड़ाई में नाकामियाँ होती हैं, लेकिन कश्मीर की एक अलग ही खासियत है। तुम्हें इसे समझना होगा और फिर देखो क्या होता है।
अलग ही खासियत? कैसे? मैं समझ नहीं पाई डैड। अब जबकि तुम कश्मीर की वादी में हो तो उसके बारे में तुम्हें कई चीजें जाननी होंगी। उसकी रूहानी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं, और वो तुम्हें तभी नजर आएंगी जब तुम सब्र और ध्यान से काम लोगे। उसके जर्रे जर्रे में सच और एक एक अल्फाज में पूरी कायनात है। मुझे नहीं पता था मेरे डैड में एक सूफी छिपा बैठा है। ये सदियों से चले आ रहे सच जिंदगी के सफर में हर वक्त हमारा साथ है। ईमान, सब्र, मोहब्बत, तुम्हें यहाँ के मासूम लोगों का भरोसा जीतना है जो अपने आप तुम्हारी सच्चाई की ढाल से ही बाहर आएगा। ये वादी के सूफियाना कलाम से तुम्हें मिले, तुम उनके दिल की धड़कन सुनो और कदम मिलाकर उनके साथ चलो। उस विश्वास के साथ काम करो जो तुम्हारे वादों की जिम्मेदारी के साथ आता है, और इन सब को मोहब्बत के सांचे में ढालो। कैसी मोहब्बत दाद? मोहब्बत के बिना ना तो तुम्हारा काम, ना तुम्हारे इरादे, ना वो जिनको तुमसे फायदा होगा, कुछ भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तुम चाहती हो। ये सफलता का चक्र है, उत्थान का, ऊपर उठने का त्रिका शास्त्र। ये तुम्हारे जीवन के युद्ध में तुम्हारे तीन हथियार हैं। आशिक वही जो इश्क में जल जाए, जहाँ दे उसकी सोने सी चमक जाए, जहाँ इश्क के शोलों से उसका दिल रोशन हो जाए, फिर उसे लामकां कहो। कुछ समझ आया? शुक्रिया डैड, आप हमेशा की तरह सबसे अच्छे शिक्षक हैं। क्या मैं आपको एक वर्चुअल हक भेज सकती हूँ? बेशक, तुमने मुझे एक मिनट के लिए डरा ही दिया। बहादुर बनो, मजबूत बनो, तुम कुदरती तौर पर ही एक लीडर हो, आगे बढ़ो। ये पुराने जमाने की बातें हैं डैड, बस मुझे एक प्रभावशाली इंसान, एक इन्फ्लुएंसर कहें। अच्छा इन्फ्लुएंसर साहिबा, जाइए अपना प्रभाव दिखाइए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।